प्लांट लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। जिला प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की ग्रामीणों ने की है मांग। ब्लास्ट से मकानों में आ रही दरारें, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। रिहायशी इलाके में लगाया जा रहा है स्टोन क्रेशर प्लांट। मुख्यालय से सटे बंडोल थाना क्षेत्र के कुकलाह का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर जहां पे ग्रामीणों का विरोध हो रहा है प्लांट लगाने को लेकर। स्टोन क्रेशर प्लांट है जिसे लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है, जिसके धमाके से इनके घरों में दरारें पड़ रही हैं ब्लास्ट से, और पर्यावरण प्रदूषण को भी खतरा बताया जा रहा है। और रिहायशी इलाके में क्यों लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, ये समझ के परे की बात है। स्टोन क्रेशर प्लांट और मुख्यालय से ये सटा हुआ बंडोल थाना क्षेत्र है जहां कुकलाह ग्राम का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, ग्रामीणों का भारी विरोध है स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सिवनी से, सुदीप कुमार तिवारी। सुदीप, सबसे पहली बात तो ये कि स्टोन क्रेशर प्लांट रिहायशी इलाके में कैसे लगा, कैसे इसको मंजूरी मिल गई? संगीता जी, मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला सिवनी जिला मुख्यालय से सटे बंडोल थाना क्षेत्र के कुकलाह का है, जहां की ग्रामीण ग्राम कुकलाह के समीप लग रहे क्रेशर प्लांट एवं ब्लास्टिंग का विरोध कर रहे हैं। और स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक उत्तम स्टोन इंडस्ट्रीज द्वारा ये क्रेशर लगाने और ब्लास्टिंग की शुरुआती कार्रवाई की जा रही है। और जहां प्लांट लगाया जा रहा है वहां से कुकलाह की शासकीय नहर, तालाब, मंदिर, किसानों की भूमि अति समीप है, जिसके कारण ग्रामीण भविष्य को होने वाली जो चिंताएं हैं उसको लेके चिंतित हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है संगीता जी कि आखिर इसको इसकी स्वीकृति कैसे मिली है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि संपर्क नहीं हो पाया है। जी संगीता जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने का ग्रामीणों ने